और रामचंद्र की। तो अभी हम जा रहे हैं अयोध्या और ऑफिस कंप्लीट कर लिया है। 6:15 बजे की हमारी ट्रेन है दिल्ली से और हमें कल छोड़ देगी और हम लेंगे पूरा आनंद। और देखते हैं अभी क्या क्या करने वाले, क्या क्या करने वाले हम लोग माला डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बहुत सारी काम करने जा रहे हैं, सेवा करने जा रहे हैं। बता नहीं सकते कि क्या क्या करेंगे वहाँ, वहाँ जाकर श्री जी क्या क्या करवाने लगेंगे, देखते हैं। हमारी ट्रेन लग चुकी है और हम जा रहे हैं अयोध्या। हरि बोल श्री हरदास। तो इस एक ट्रेजेडी ये है कि मेरा S4 में है, इसका S7 में है और हमने बात कर रही दोनों भाइयों से, कोई नहीं माना, लेकिन हम अलग अलग जाएंगे। अभी मेरे साथ ही बैठेगा ये फिलहाल के लिए। चलो चलते हैं। आप उतरने के बाद हम जा रहे हैं यहाँ पर श्री राम हॉस्पिटल, श्री राम हॉस्पिटल जहाँ पर हमारा आश्रम है, जहाँ पर हमारा रूम, जाके हम फटाफट स्नान वगैरह करेंगे और फिर निकलेंगे दर्शन के लिए। और अभी बज रहे हैं 7:30 सुबह के और ठाकुर जी ने हमें जल्दी पहुंचा दिया, भगवान श्री राम की बड़ी कृपा हुई। और ये देखो कैसा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। क्या करो, श्री राम जी की सेवा करेंगे, माला सेवा दर्शन करेंगे, बहुत चीज़ सीखेंगे। श्री राधे, श्री राधे। अयोध्या में आते ही पहले ही संत भगवान के दर्शन, हम पहुंच गए अयोध्या। और अयोध्या में देखे दुकानों में कितना आनंद हो रहा है, आज पहले से ही दुकानों में बने हुए हैं भगवान श्री राम, बजरंगबली। ये देखिए हमारा इतनी सुंदर जगह रूम है कि क्या बताऊं। देखो आप सामने महादेव के दर्शन कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। यहाँ पर दशरथ जी ने अभिषेक किया था महादेव का, पुत्र प्राप्ति के लिए दूध से अभिषेक किया था। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है और हमारा रूम ये रहा। और चलिए अब स्नान वगैरह करके हम दर्शन करने जाएंगे और ये छुप रहा है ये देखो तो चलो चलते हैं, स्नान वगैरह करते हैं और फटाफट हम निकलते हैं दर्शन के लिए प्रभु श्री राम के। जय श्री राम। तो हम हो गए हैं रेडी और अभी हम जा रहे हैं भोलेनाथ जी के दर्शन करने। तो भैया आ गए हैं विकास भैया। विकास भैया जय श्री राम। विकास भैया से पहले यहाँ पर अभिषेक कर लें, महादेव का अभिषेक कर लेते हैं। तो हम जा रहे हैं अभी हनुमानगढ़ी और भगवान के दर्शन करने से पहले हनुमान जी के दर्शन अति आवश्यक है। तो इससे पहले हमने भोलेनाथ के दर्शन किए और अब हम जा रहे हैं। और विकास भैया साथ में हमारे अयोध्या से ही है, भैया यहीं के रहने वाले हैं। तो हनुमानगढ़ी विकास भैया, जय सिया राम। जय सिया राम भैया, आनंद दिलाओगे आज? बिल्कुल बिल्कुल एकदम पूरी जगह घुमाने वाले हमें। जय श्री राम। झंडा लेने आए यहाँ पर शरद विराट, खाना या खिलौना और ये भूत पूजन वस्तु भंडार भैया के वहाँ से 3 नंबर का झंडा। जय श्री राम। अपना चैन मोबाइल पर सुरक्षित रखें, संभव हो तो। हम माला डिस्ट्रीब्यूशन करने आए हैं, भगवान के नाम का प्रचार करने आए हैं। हमारे में इतना सामर्थ्य तो नहीं कि श्री जी करवा रही है। जय श्री राम। जी क्या कर रहे हो आप? हम सब सेवा करने जा रहे हैं, नाम जाप काम सभी लोगों को देंगे। कितने लोगों तक पहुंचा दिया नाम? अभी तक 100 से ज्यादा हो गए, हमारा आधा घंटा भी नहीं हुआ। जय सीताराम। सीताराम राधे राधे श्री हरदास। ये देखो विकास भैया की वजह से यहाँ पर अयोध्या से हैं ये, और बताएंगे एक्सपीरियंस क्या आनंद आ रहा है। अच्छा एक्सपीरियंस है। आनंद आ रहा है, एकदम आनंद आ रहा है। नाम जप करते रहिए आप लोग जितना भी हो सके। जय श्री राम। माला डिस्ट्रीब्यूट करके बहुत आनंद आया, अभी और करना बाकी है। कहाँ पर है, कितनी लाए थे हम लोग? लाए थे इतनी बढ़ के, मतलब इतनी बैग भी लेकर आए थे, बैग तो खाली हो गया, फिर बैग से फीड लेकर आए। देखिए महिमा, ये देखो हनुमान जी भगवान दे दे बोल दे दिया, एक किधर माला है किधर माला। क्या हम आपको बताएं, इनकी कृपा है भैया की कृपा है, सब जय सीताराम जी ने हमारे टीका लगाया, देखो इनके भी लगाया है, हमारे भी लगाया है भैया के लिए। यहाँ पर साइड में लगाया, साइड में लगाने का मतलब क्या है? साइड में बीच में जगह होती है श्री राम जी की, है ना, फिर लक्ष्मण जी बैठते हैं यहाँ पे हनुमान जी उनके चरणों में, तो इसलिए यहाँ पे उनका जय हो, हनुमान जी के चरणों में बैठ गया मतलब।
बहुत आनंद में आज आज इनकी कृपा से हमारे माला डिस्ट्रीब्यूट हो गई है पूरी। हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा। ये देखो खुश हो आज सितारा। जी के महल में आप सभी का स्वागत है। जय हो, बोलो सिया पर रामचंद्र की। क्या मेरी तकिया प्रसाद पा रहा है ना? देते हैं। भैया भी थक गए। नहीं प्रसाद पा रहे हो? फिर से नहीं 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 फिर दोबारा क्यों बनाया बताओ? कनक भवन की रसोई, कनक भवन की प्रसाद वाली रसोई। ये भूल जाता है हर चीज, इसको देख लो कितना झूठ बोल रहे हैं भैया। हम तो नहीं ना भैया वृंदावन तो गली पूछो, गली तुमको घुमा देंगे। अभी बताओ कहाँ बैठे हो? कनक भवन प्रसाद भवन में। कनक भवन में बैठे हैं हम प्रसाद पाने के लिए। और ये है विदाउट ऑनियन गार्लिक। कितने रुपए की थाली है? 180 रुपए की। प्रसाद क्या क्या है? आ गए हमारी रूम की हालत देखो आप, क्या हो रही है सब भैया करके गए, हम तो कुछ नहीं है। पहले तो हमारे गुरुदेव से मिलो आप। कुछ किया नहीं मैंने। राधे श्याम। तो अभी आज अयोध्या में हमारा दूसरा दिन है और अभी 4:30 बज रहे हैं सुबह के, और अमृत सो रखा है। चलो मैं उठता हूँ, मेरे को नाम जप भी करना है। और बड़ा आनंद आया कल अयोध्या के लिए, बहुत अच्छे। और काफ़ी सारी माला लाए थे जिसमें से अभी बहुत कम माला बच गई है, जो कि आज यहाँ पर हम ठाकुर जी की कृपा से फिनिश कर लेंगे। चलो फिर मिलते हैं। कल ठंड कम थी और आज ठंड ज़्यादा है, और राम जन्मभूमि के हमने दर्शन कर लिए हैं और बड़ा आनंद आया। बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है। 22 तारीख को जो यहाँ पर सैलाब आने वाला है भक्तों का, वो अभी से देखने को बनता है। सब लोग इतने आनंदित हैं, इतने खुश हैं। कितने कितने लोग कहाँ कहाँ से पैदल यात्रा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम के लिए। तो ऐसा लगता है रामयुग फिर दोबारा आ गया है, ऐसा मतलब लग रहा है बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर इतने श्रद्धालु पता नहीं कहाँ कहाँ से आए, जो कि पादुका लेके सर पे अपने दर्शन के लिए आए। तेलंगाना से कल आए थे, और आपके हरियाणा से, दिल्ली से, अहमदाबाद से, कहाँ से, और वहाँ से मिजोरम से, आसाम से, ये सब जगह से आ रहे हैं। ये देखो हमारे भाई सब भी आए बिहार से। कहाँ से आए सर आप? सर बिहार से। बिहार से क्या करने आए हो? बस दर्शन करने आए हैं। माला डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिए, सबसे पहले काम तो माला डिस्ट्रीब्यूट था, तो हो गया, अब दर्शन कर लेंगे। लेके जा रहे हो? कृपा लेके जा रहे हैं सबके लिए। कौन सी कृपा? माला लेके जा रहे हैं। अरे वाह, कितनी माला लेके जा रहे हो? कम से कम 50 से तो ऊपर होगी। 50 से ऊपर। कहाँ हो आप? अभी हम भैया के घर अयोध्या में। अयोध्या नगरी में अयोध्या वासियों के घर की रोटी मिली खाने को? अभी तो नहीं मिली। अभी मिलेगी ना 12 बजे के बाद, दर्शन करने के बाद। ये देखो सामने कितना अच्छा सजा हुआ है। भूमि के दर्शन हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? माला डिस्ट्रीब्यूशन के तो पहले से जा रहे हैं, लेकिन अभी दर्शन किए। और ये देखो जय श्री राम, भीड़ दिखाता हूँ। जय सीताराम। तो यहाँ पर भैया के द्वारा माला का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जय श्री राम। आनंद आया भैया को? बहुत आनंद आया। आपको कैसा लगा? बहुत आनंद आया। जय श्री राम। आपको कैसा लगा प्रभु जी? आनंद। आप आओगे तब आपको बताएंगे। मैं आऊँगा तब बताएंगे। मतलब यहाँ आएंगे तो अपने जानेंगे कि आनंद कितना आता है। जय जय श्री राम। जय श्री राम।